क्रीमी लेयर लागू करने के खिलाफ भारत बंद का अलर्ट जारी किया गया है। सोशल मीडिया के जरिए यह बंद का आह्वान किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीधा रुख करेंगे रायपुर की तरफ, तो रायपुर से हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में बनी रहने वाली है, भारत बंद को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया था, जो आरक्षण की वर्गीकरण और भूमि लेयर के संबंध में जो निर्णय जो है दिए गए थे, उसको लेकर लगातार SC ST और OBC वर्ग के जो क्रीमी लेयर है उनमें आक्रोश है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो संविधान में जो शुरू से जो अधिकार दिए गए थे SC ST और OBC वर्ग के जो क्रीमी लेयर है उनसे जो है छेड़छाड़ ना किया जाए, उनको यथावत रखा जाए। और जो उनका कहना है कि जो बाबा भीमसाहब भीमराव अंबेडकर की जो स्मृतियां हैं और उन्होंने जिस तरीके की उनको आगे बढ़ाने के लिए जो मुहिम चलाई थी, जो कमजोर पिछड़े या वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है, जिसके विरोध में आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया 21 अगस्त को। और रायपुर में भी इसकी जो है भारत बंद का असर देखने को मिला है। हालांकि चैम्बर बोर्ड ऑफ कॉमर्स ने इसको जो भारत बंद का ऐलान था उसको किया है। उनका कहना है कि जिससे जो निचले वर्ग के व्यापारी हैं उनको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, तो जो व्यापारी वर्ग हैं उनमें जो है इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो कुछ हिस्सों में इसका काफी प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। वहीं रायपुर स्थित जो अंबेडकर चौक है वहां की बातें हैं उसको जो है कांग्रेस उठाती है और बिना विषय की बातों पर मुद्दा बनाने का काम बीजेपी कांग्रेस करती है, या बीजेपी इस तरीके के आरोप जो है आज भारत बंद को लेकर लगा रही है। वहीं बात करें अमित शाह के दौरे की, तो अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे 23 अगस्त से, जिसमें विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हो सकती है। चूंकि रायपुर विधानसभा रायपुर दक्षिण में चुनाव होना है, ऐसे में जो टिकट को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि कौन से जो है कैंडिडेट सही रहेगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ माना जाता है रायपुर दक्षिण को। अब ऐसे में जो 8 बार से जो विभेद जो किला रहा है, विजयी किला रहा है रायपुर दक्षिण का, उसको ऐसे प्रत्याशी को दिया जाए कि उसमें जो है जीत उसमें निश्चित हो। और कांग्रेस भी लगातार जो है अपने सर्वे करा रही है इस जो लोकल बूथ स्तर पर भी, कि किस तरीके से रायपुर दक्षिण के लिए समीकरण बनाया जाए। तो इस तरीके की जो आगामी चुनाव है, निकाय चुनाव की बात करें या रायपुर दक्षिण के उपचुनाव की, इन सारे विषयों पर चर्चा हो सकती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जी प्रियांशु, भारत बंद का क्या असर दिखाई दे रहा है राजधानी में? जी बिल्कुल, देखिए भारत बंद का असर जो कुछ दुकानें हैं, जो बड़ी बड़ी गोल बाजार की दुकानें हैं वहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि आंशिक असर ही देखने को मिल रहा है, बाकी सारी चीजें जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, चाहे डॉक्टर हॉस्पिटल हो, चिकित्सकीय सेवाएं भी खुली हैं। वहीं जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनमें भी कुछ दुकानें बंद नजर आ रही है। हालांकि जो संगठन है, जो SC ST OBC जो माइनॉरिटी संगठन है, जिन्होंने पूरे देश भर में तरीके का एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उन्होंने अलग अलग जो व्यापारी संघ है या दुकानों के जो अलग अलग संघ होते हैं उनसे जाकर अपील की थी कि दुकानों को बंद रखा जाए। और जब तक जो है आंदोलन का असर, बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा, तब तक वह आंदोलन जो है जो कह सकते हैं कि असरदार नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से जो कोशिश पूरी की गई है, लेकिन जो आंशिक रूप से जो है दुकानें खुली हैं और जो है लगातार इस पर भी जो अंबेडकर चौक में प्रदर्शन किया जा रहा है। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। सीधा रुख करेंगे दुर्ग